मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में जीएसटी बिल को पेश करेगी। हालिया राज्यसभा चुनाव में संख्या बढ़ने के बाद बड़ी उम्मीदों के साथ केंद्र सरकार इसे संसद में लेकर आएगी। साथ ही सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार जीएसटी बिल को लेकर आक्रामक रुख अपनाने वाली है। गैर कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों के सांसदों से भी इस मुद्दे पर राज्यसभा में साथ मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा में बीजेपी के नंबर बड़े हैं, वहीं जीत कर आए 3 स्वतंत्र और गैर कांग्रेसी उम्मीदवार भी बीजेपी के साथ खड़े होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल के लिए लगातार कांग्रेस की मदद पाने की कोशिश करते रहे हैं। इसके बावजूद संसद में इस बिल के लिए विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस रोड़े अटकाती रही है। अब जीएसटी बिल के लिए बीजेपी सभी संभव संसदीय रास्तों को तलाश रही है। अभी तक कांग्रेस इस बिल को लेकर सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब बीजेपी इस मामले में फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है और कांग्रेस को जवाब देने के पूरे मूड में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु की सीएम जे जयललिता लगातार जीएसटी बिल के खिलाफ रही हैं, लेकिन सरकार की कोशिशों के बाद अब उन्होंने भी इस मामले में सकारात्मक रुख अख्तियार करने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में बीजेपी मानसून सत्र में हर हाल में जीएसटी बिल को पास करवाना चाहेगी और ना होने की सूरत में पूरा दोष कांग्रेस के ऊपर मढ़ना चाहेगी।